Hello. Yes, sir. Okay, sir. आप आपके केबिन में वेट कीजिए, मैं वहीं पे आ जाऊंगी. प्रोसेस है. एग्जिट इंटरव्यूज मैं ही लेता हूं एज सीईओ एंड ओनर ऑफ हर कॉन. मैंने तुम्हें मेरे रूम में नहीं बुलाया क्योंकि मुझे लगा शायद तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे कैबिन में आया. मेरा कैबिन था, अब सब आपका है. मैं हर जगह उतनी ही अनकंफर्टेबल हूं. राइट. और नॉर्मली एग्जिट इंटरव्यूज में हम लोगों से पूछते हैं कि तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो. तुमसे नहीं पूछूंगा मैं कि तुम छोड़ के नहीं जा रहे हो हमें. तुम्हें तो निकाला जा रहा है. ना, don't get me wrong, मुझे पूरी रियलाइजेशन है कि मेरी हरकतों ने तुम्हें मजबूर किया ये नौकरी छोड़ने पर, वो प्रोजेक्ट छोड़ने पर जिसमें तुमने अपनी पूरी जान डाली थी. था हमारी कंपनी में एक एंटी हैरेसमेंट सेल है. देन एज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी इट इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू दैट तुम उनके पास जा सकती हो. देन जो भी बातें तुम उनसे कहोगी वो बाहर नहीं आएगी. जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं. हो गया एक्सिट इंटरव्यू, कैन आई गो नाउ? मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूं कथा, पर ये बिजनेस, ये कंपनी, ये काम, इस सब की बहुत इज्जत है अभी भी मेरे दिल में. और इसलिए मैं एक आखिरी बात पूछना चाह रहा हूं, इफ यू अलाउ मी. जो कैंसर से लड़ जाए उसे किसी और से क्यों हारना है कथा? ये कंपनी जितनी मेरी है, एसएन की है, उतनी हर उस एम्प्लॉय की है जो अपने परिवार से, अपने 8 साल के बच्चे से वक्त चुरा कर यहां आते हैं मेहनत करने है. तो तुम ये नौकरी अपने आप से कैसे छीनने दे सकती हो? मेरी बेवकूफियों के कारण. कथा, अगर दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की पुरानी दीवारों पे आयतें लिखी है तो उनकी नई दीवारों पे तुम्हारा नाम लिखा है. प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुमसे है, तो तुम अपने आप से कैसे छीन सकती हो? Very nice speech. हो गया. No, that's not what I'm trying to say. कथा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गलती तो गलती से हो जाती है, लेकिन एक बार गलती का पता लग जाए और उसके बाद उसे दोहराया जाए तो वो गलती नहीं होती, तो वो गुनाह होता है, तो वो क्राइम हो जाता है. मैं गलत हूँ लेकिन क्रिमिनल नहीं हूँ. अपनी ये गलती दोहराऊंगा नहीं. आई थॉट अ लॉट के
ये सब कैसे हुआ? मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि मैं इतना गलत कैसे हो गया। इसका एक ही जवाब है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। तुमने जो वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट झेली है, मेरे पर्सनल बायसेस की वजह से। जब तुम मुझसे लोन मांगने आई थी तो मुझे सीधे सीधे हाँ या ना कहना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश की अपने लिए। अपनी पर्सनल बायसेस को तोड़ने के लिए। इसलिए आज मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा कथा। कौन सीनियर मेंबर्स सिंगल मैरिड नो चिल्ड्रन इनमें से किसी का बच्चा नहीं है? डू एनी ऑफ देम हैव चिल्ड्रन? ओके वेट वन सेकेंड। मिड लेवल में एंड एंट्री लेवल की लिस्ट में है तो हमारे ऑफिस में सक्सेसफुल औरतें के बच्चे नहीं है या सिंगल औरतें ही टॉप पोजिशन पे, जिनके बच्चे हैं वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाए। व्यान, तुझ पे टी टाइम विद मॉम थोप रही हूं, डोंट माइंड। माँ, आप और आपकी अदरक वाली चाय हमेशा वेलकम है। थैंक यू। तू परेशान है? डोंट। नजरें चुराने से परेशानी गायब नहीं हो जाती। मुझे लगता है तेरे परेशानी का कारण कथा है। क्या? नहीं, कथा क्यों होगी? ये जो गिल्ट है ना, दबे पाव आती है और मन में घर कर जाती है। तुझे लगता है ना कि तूने उसकी मदद नहीं की, इसलिए उसके सारे स्ट्रगल्स के लिए तू रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन तू कैसे मदद करता उसकी? वैसे तो मुझे भी लगना चाहिए ना कि मैं इतना बड़ा एनजीओ खोल के बैठी हुई हूँ, वो भी सिंगल मदर्स के लिए, और कविता की बहू और हमारे आदि की वाइफ की मैं मदद नहीं कर पाई। आप उसे जानती नहीं थी ना? नॉट द सेम। सोच के देख, तू भी कहाँ उसे इतने अच्छे से जानता था। अकेले स्ट्रगल करने का डिसीशन उसका खुद का था। औरतों को हमेशा मदद के लिए मर्दों की जरूरत नहीं होती है, वो खुद कर लेती हैं। तुझे नहीं पता था? तेरी गलती नहीं है। नहीं माँ, मेरी गलती थी। मैंने उसे वैसा माहौल नहीं दिया जहाँ वो खुल के मुझसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। फिर भी वो आई थी, लेकिन उसकी लाइफ में कितना कुछ हो रहा था माँ, फिर भी वो रोज आती थी ऑफिस। और हम ऑफिसेज में बड़ी पोजीशंस पे बैठने वाले लोग कितने इंडिफरेंट हो गए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। गिल्ट का कोई इलाज नहीं होता है बेटा, वो भी बिल्कुल कैंसर की तरह होता है। या तो उसे जड़ से निकाल दो, वरना आपकी पूरी लाइफ टेक ओवर कर लेगी। आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना मुझे अकेला रेस करना। बिल्कुल नहीं, तूने तो मुझे कभी मुश्किल महसूस होने ही नहीं दिया। सबसे बड़ी ताकत था जब मुझे अकेला रहना था, तब तू चुपके से आके बिना कुछ बताए मेरे पास बैठ जाता था। मेरी सिचुएशन समझे ना समझे, मेरा दर्द जरूर समझता था तू। अपने बच्चे के लिए दौड़ती भागती माँ को जरा सा भी वक्त मिल जाता है ना अपने बच्चे के साथ, तो पूरे दिन की थकान और लड़ाई सब भूल जाती है।
प्रिटी नाइस. वेयर्स माय फोन? स्कूल के पहले दिन वाली सेल्फी. ये भी भरो अंदर रखो भैया. थैंक्स. मैं जूते पहन के आया. अच्छा अपना टिफिन तो लेने जाओ पहले. अरे मम्मा मेरी टमी तो एक्साइटमेंट से ही भरी हुई है. आरू के लिए मैं क्या लाई हूँ? टिफिन टिफिन टिफिन. ओहो डोडो, इसमें थेपला है, हांडवा है और आरव को ना सालों से यही पसंद है. आरव यही लेके जाएगा. थेपला? दैट्स सो बोरिंग. मैंने स्पाइरल पास्ता बनाया है. पूछ लो ये क्या लेके जाएगा. आरव मेरा ढोकला इधर. मुझे बता तू ये लेके जाएगा कि नहीं थेपला? स्पाइरल पास्ता. थेपला. पास्ता. थेपला. पास्ता. थेपला. आजकल ना मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगने लगी है. मैं दोनों लेके जाता हूँ. मम्मा पकड़ो. ओके ओके. अरे मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ, कोई नजर नहीं उतारेगा मेरी? ओहो मैं तो नजर का धाका लाना भूल ही गई. मैं लेके आती हूँ, रुक जा. जाओ जाओ. हाँ मैं देख रही हूँ. कविता बहन. नमस्ते. नमस्ते. अरे किधर है हमारा स्कूलर? दादी! ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा. इतना सोना लग रहा है हाँ, अपने स्कूल ड्रेस में. यहाँ रखो. नमस्ते माँ. खुश रहे बेटा. कैसी है? ठीक हूँ. हेलो कविता जी. हेलो डोडो, कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया. ये ढेर सारे गिफ्ट्स पता है किसने भेजा? दादू ने. दादू ने? और ये टैब भी. वो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना है? ओके दादी. और ये भी दादू ने भेजा है. वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटिंग ट्रिक्स. मम्मा मैं इसे स्कूल लेके जाऊं, अपने नए फ्रेंड्स को दिखाऊंगा. बिल्कुल ले जाओ. वो टैब मुझे दे दो. अंदर आपकी डायरी रखी है, उसमें टाइम टेबल है. गो एक बार वापस से चेक करो अपने सारे बुक्स. ठीक है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.